देखो, तुम लोग जो करने जा रहे हो उसके बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है ना? जी, इस मिशन के बारे में सिर्फ आप और मेरी बहन को पता है। वैसे भी हम घर से भाग नहीं रहे हैं, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नई राह पर हम कदम रखने जा रहे हैं। प्रकाश ने ठीक ही कहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि हम ये सब गोपनीयता के साथ कर रहे हैं। और ये जरूरी है सर, हमारे माता पिता को ठेस जरूर पहुंचेगी, लेकिन हमारे अचीवमेंट के बारे में अगर उनको बताएंगे तो वो हमें माफ कर देंगे। ऐसा ही होगा, मेरी शुभकामनाएं तुम लोगों के साथ है। रात को बास है, सुबह गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। किसके पास मोबाइल फोन है? जी, मेरे पास है। ठीक है, गुवाहाटी पहुंच के जीजा जी को फोन कर लेना, बाकी सब वो बता देंगे। हाँ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। बस बस, कोई एहसान वहसान नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। चलो अब तुम लोग जाओ और जल्दी जाने की तैयारी करो। जी। अरे, गाड़ी आने का वक्त तो हो गया, किसी वजह से लेट हुआ होगा। अरे भाई, सुबह जल्दी भी पहुंचना है ना। हाँ, वो भी है। समय कितना हुआ है? देखो, मैंने सब कुछ इंतजाम कर दिया, तुम लोग वहां जाकर अपना अपना काम सीख लेना। जी सर। जी हाँ। निहारिका। जी सर। तुम सिलाई और बुनाई का काम सीख लेना। कौशिक और प्रकाश जी, तुम दोनों सीबी सिटी में जाकर अपना अपना काम सीख लेना। जी, ठीक है, ठीक है। वहां के मैनेजर को मैंने इत्तला कर दी है, अगर वहां पर जाके कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे फोन करना। जरूर। अब तुम लोग जाने की तैयारी करो। नमस्ते मैडम। हमें गजेंद्र राय जी ने भेजा है। जी, एक्चुअली ट्रेनिंग के बारे में जानने के लिए मैनेजर से मिलना है। सर ऑफिस में है, आप एंट्री करके जाइए। किस तरफ से जाना है? इस तरफ से जाइए, 2 नंबर फ्लोर। उस तरफ सीधा यहाँ से। ओके, थैंक यू। थैंक यू। May we come in, sir? Yes, come in. Chalo. Please, sit down. Thank you, sir. Thank you, sir. आप लोग कहाँ से आए हैं? सर, हम लोगों को गजेंद्र राय जी ने भेजा है। अच्छा जी। सर, ये रहा रेफरेंस लेटर।
आप लोग क्या ट्रेनिंग चाहिए? जी हाँ सर, इसलिए आए थे हम लोग यहाँ वो ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में जानने के लिए। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ का ट्रेनिंग होता है? हम लोग का यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का ट्रेनिंग होता है, फर्नीचर का, कंस्ट्रक्शन और ये फर्नीचर का। और हम लोग के पास में एक बेसिक कोर्स है, वो 3 मंथ्स के लिए है। हम लोग शायद हाँ हैंडीक्राफ्ट का बेसिक कोर्स ही हम लोग करना चाहेंगे। आप लोग क्या इंटरेस्टेड है? जी जी ठीक है, तब तो हम ट्रेनिंग कैसी होता है आप लोगों को दिखा देता हूं। जी जी सर, थैंक यू। रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। मत रो माँ, दीदी बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे उसकी हर एक घड़ी की खबर मिलती रहती है। कब आ रही है? अगले हफ्ते। गजेंद्र जी उनके लिए लोन का इंतजाम कर रहे हैं। वो पूरी होते ही चले आएंगे। सत्यानाश हो उस दीन बंधु का, मेरी बेटी पर वो बुरी नजर डालता है। कीड़े पड़ेंगे उसे, नरक में भी उसे जगह नहीं मिलेगा। माँ तू चिंता मत कर, दीनबंधु के गालों पर बहुत बड़ा तमाशा पड़ने वाला है। वो तो ठीक है, जब वो लौटेंगे तब गांव वाले हजारों सवाल पूछेंगे, तो उनका मुकाबला वो कैसे करेगी? बस आप लोग उसकी चिंता मत कीजिए, सारे योजनाएं बन चुकी हैं, बस दीदी को आने तो दीजिए। अरे प्रमोद। अरे दीदी। अरे आओ आओ आओ। अरे तकलीफ तो नहीं हुई? अरे काजल ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। हाँ चलो 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 चल रहा। अरे कैसे हो भाई? ये मैं पूछ। नमस्ते। मैं तुम लोगों के बारे में बोल ही रहा था। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम लोगों पर जो मेरा भरोसा था वो टूटा नहीं। सोच रहा हूँ कि घर कैसे जाऊँ, पता नहीं माँ कैसी बर्ताव करेगी। अरे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जब मनी चाचा से मैंने तुम लोगों के बारे में सब कुछ सुन लिया तो मैंने तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दिया। भले ही वो तुम्हारी सौतेली माँ है लेकिन माँ ही तो है ना। तुम कुछ चिंता मत करो, सीधा यहाँ से घर चले जाना। और निहारिका तू भी घर चली जाना, तेरे माँ और पिताजी बहुत बेसब्री से तेरी इंतजार कर रहे हैं। हाँ चल। हाँ, ये बैग मुझे दे। तो, दे मुझे। पिताजी जा, जा बेटी, मां इंतजार कर रही है, जा। Thank you.
देखो मैं आ गई। यहाँ किसी की कोई माँ नहीं रहती, यहाँ सिर्फ काजल की माँ रहती है। पर मेरी माँ तो यही रहती है। हाँ अभी वो थोड़ी सी नाराज है, पर जल्द ही वो मुझे माफ भी कर देगी और गले से भी लगा लेगी। फिर से कहो मामलो, फिर से कहो। बड़ी अच्छी खबर सुनाया मंगलो, शाम को आकर 50 रुपया ले जाना। हाँ आएगा मजा। मेरा प्रस्ताव ना मनने का, ऐसा सजा दूंगा जीवन भर याद रखेगा। मैं सीना हराम कर दूंगा उन लोगों का। कोई फायदा नहीं, वे तीनों एक सरकारी योजना के मिशन पर गए थे और ये बात निहारिका के घर के लोग, स्कूल के सभी मास्टर और थाने के ओसी को भी पता है। ओए, क्या बकवास कर रहे हो? कुछ नहीं कर पाओगे तुम, चलता हूँ, मिलेंगे बहुत जल्द। इसका मतलब सबने मिलकर मुझे उल्लू बनाया है। देख लूंगा, सबको देख लूंगा मैं। उस वक्त दीनबंधु का चेहरा देखने लायक था। अगर मैं पास होता तो वो शायद मेरा। खैर छोड़ो। अच्छा दीपक नजर नहीं आया? वो माँ के लिए दवाई लाने शहर गया है। अच्छा तो कल की मीटिंग की तैयारी करते हैं। गजेंद्र जी दोपहर 12 बजे ही पहुँचे, तो उनके दोपहर के खाना कहाँ हो? दोपहर का खाना हम यही खा लेंगे, मैंने उनसे फोन पर बात कर ली है। तो ठीक है, हमारी दुविधा दूर हो गई है, तो मीटिंग का समय तय करते हैं शाम की 4 बजे। हाँ बिल्कुल सही, 4 बजे ही सही रहेगा। हाँ, 4 बजे ठीक, 4 बजे ठीक है ना? अब हाँ, रही हम मीटिंग में किस किस को बुलाएंगे? मेरे ख्याल से पूरे गांव के लोगों को बुलाना सही होगा, खासकर हमारे युवा पीढ़ी को। हाँ हाँ, और एक बात, एक जरूरी बात, तीनबंधु जी को सभा में न्योता देना भूलना नहीं चाहिए, उनका उपस्थिति सभा में बहुत जरूरी है। अरे उन्हें कैसे भूल सकते हैं, वो तो हमारे सभा के मुख्य अतिथि होंगे। इस सभा में आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। आज के इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं हमारे गांव की शुभ चिंतक और गांव के ही अभिभावक स्वरूप श्री दीनबंधु दास जी। नमस्ते
और उपकाश पात्र सेना अधिकारी श्री गजेंद्र राय जी, हम उनका भी स्वागत करता हूँ। आज की इस सभा का उद्देश्य बताने से पहले आपकी गांव की ही बेटी श्रीमती निहारिका जी आप लोगों से कुछ कहना चाहती है। निहारिका आओ। नमस्ते मेरे प्यारे गांववासियों, मुझे मालूम है कि आप लोगों के दिलों में मेरे लिए, प्रकाश के लिए और कौशिक के लिए काफी शिकायतें हैं, और क्यों ना हो, हम लोगों ने काम ही कुछ ऐसा किया है, किसी को कुछ बताए बिना ही हम लोग गांव से गायब हो गए। हमारे पीछे बहुत सारी कहानियां बनाई गई है, पर भगवान और गांव के कुछ विशेष व्यक्ति इस बात की साक्षी है कि हमने अपने परिवार और गांव की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी ऐसा काम नहीं किया। पिछले 3 महीनों से हम कहां थे, क्या किया था? हाँ हाँ, इस बात की तो पुष्टि होनी चाहिए। आखिर तुम इस गांव की बेटी हो, इज्जत हो। तो फिर सुनिए वो दास्तान जिससे आप लोग अनजान थे। क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आज हमारे लिए एक बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज निहारिका ने 3 महीने का कोर्स अच्छी तरह से कंप्लीट किया है, और इसलिए हम हमारी संस्था की तरफ से उसको सम्मानित करना चाहते हैं। हमारी संस्था की शिक्षयित्री ज्योति चौधरी उन्हें एक गामोसा से सम्मानित करेंगे। और अब हम हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से एक सर्टिफिकेट और एक ट्रॉफी देना चाहते हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। तुम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से काम किया है, और चाहता हूँ आगे भी जाकर तुम लोग गांव में अच्छी तरह से काम करो। प्रकाश, तुम लोगों ने अच्छी तरह से काम किया है ट्रेनिंग के दौरान में, ये लो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोगों ने क्यों गोपनीयता का रास्ता चुना था। अगर आप लोग अभी भी हमें कसूरवार समझते हैं, तो सजा भुगतने के लिए हम लोग तैयार हैं। सजा तुम लोग क्यों भुगतोगे? अगर आप लोग सहमत हैं तो ताली बजाइए। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें माफ कर दिया। अभी मैं हमारे अतिथि गजेंद्र राय जी से अनुरोध करती हूँ कि वो इस सभा को संबोधित करें और हमारे मिशन के बारे में 2-4 शब्द कहें। सर, तो मुझे आज्ञा दीजिए। अरे महाजन बाबू, अब जब ओखली में सर रख ही दिया है तो मुसल से क्यों डर रहे हो? बैठ जाइए और पूरी बात सुनते हुए जाइए। नमस्ते भाइयों और बहनों, आपके गांव के निहारिका, कौशिक और प्रकाश बहुत ही काबिल बच्चे हैं। ये न सिर्फ अपने रोजगारों के लिए बल्कि गांव के पढ़े लिखे हर नौजवान की रोजगार के लिए सोचते हैं। और एक बात सुनिए, निहारिका ने सिलाई और बुनाई की काम सीख कर आई है, कौशिक और प्रकाश ने
कैन एंड बेम्बू टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण लेकर आया है। अब प्रकाश और कौशिक गांव में ही कैन एंड बेम्बू के ऊपर काम करके अपना रोजगार निकालेंगे। मैं अभी गांव के हर पढ़े लिखे नौजवानों से कहना चाहता हूं कि नौकरी ही जीविका का एकमात्र माध्यम नहीं है, एकमात्र उपाय नहीं है। हमारे सरकार ने देश के हर पढ़े लिखे नौजवानों के लिए कई सारी योजनाएं बनाई हैं, आवंटन की है। इनमें से एक है प्रधानमंत्री युवा योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करना। इस योजना के अंतर्गत वे कौशल विकास का प्रशिक्षण पाकर तेजी से उन्नति करेंगे। सबसे बड़ी बात और एक है, ये है कि इस योजना के अंतर्गत उन्हें पुरस्कृत करने का भी व्यवस्था की गई है। मूलतः इस व्यवस्था का उद्देश्य है देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना। क्यों प्रकाश? जी सर, गांव की उन्नति होगी तो राज्य की उन्नति होगी, और राज्य की उन्नति होगी तभी देश की उन्नति होगी। बहुत खूब। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 5 साल तक युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। ये योजना 2016-17 से 2020-21 तक चलेगी, जिसकी कुल लागत होगी 499.94 करोड़। इस योजना के तहत भारत के 7 लाख युवाओं को पूरे भारत में 3050 संस्थानों में कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इन संस्थानों में 2200 संस्थान कॉलेज, विश्वविद्यालयों में 300 स्कूल, 500 आईआईटी और 50 कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र शामिल है। क्षमा कीजिएगा, इस प्रशिक्षण के लिए फॉर्म कहाँ भरना पड़ेगा और इसके लिए फीस कितना लगेगा? इसके लिए आपको गांव के दायरे से बाहर निकलना होगा, बाहरी दुनिया की खा खबर लेनी होगी, अखबार देखना होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कौशल विकास केंद्र में जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं, या आप ऑनलाइन पर भी अर्जी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सेवा सरकार द्वारा बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है, इसका कोई फीस नहीं लगता। इस योजना के तहत 375 ट्रेड की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं दीपक सर और गजेंद्र जी की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैंने इस योजना के तहत सिलाई बुनाई और साथ में फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स किया है शहर में जाके, और अब गांव में लौटकर एक ट्रेनिंग सेंटर खोलूंगी और आसपास की महिलाओं को सिलाई बुनाई सिखाऊंगी। और इसके लिए निहारिका को सरकार ने लोन की व्यवस्था भी कर दी है। मैं भी इन दो महान व्यक्तियों का शुक्रगुजार हूँ। हम दोनों शहर जाकर CBTC यानी कैन एंड बेम्बो ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ली है, और अब हम दोनों मिलकर अपने गांव में ही इसका एक लघु उद्योग शुरू करने जा रहे हैं। अब गांव के हर युवाओं से मेरा अनुरोध है कि वे शहर आए, उनको प्रशिक्षित करने का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मेरे प्यारे गांव वासियों, मैं आज मेरे किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। गजेंद्र जी के आदर्शों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। इन जनों से मैं माफी मांगते हुए ये घोषणा करता हूँ, गजेंद्र जी के पास गांव का जो भी युवक प्रशिक्षण लेने के लिए जाएगा, उसका आने जाने का जिम्मा मेरा।
हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित।